नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। दिवाली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। रविवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के मानकों के उल्लंघन पर 491 स्थलों पर निर्माण और विध्वंस के कार्य बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें 110 स्थल अकेले दिल्ली में है। CAQM ने ये आदेश शनिवार को जारी किए। इसके लिए CAQM ने 40 उड़न दस्तों की टीम गठित की है, ताकि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता को सुधारा जा सके। इन उड़न दस्तों में 14 अक्टूबर तक 8,580 निर्माण और विध्वंस से जुड़े स्थलों का जायजा लिया। वहीं टीम ने औद्योगिक इकाइयों, निर्माण एवं विध्वंस स्थलों, आवासीय इकाइयों और वायु प्रदूषण के हॉटस्पॉट को भी चिन्हित किया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक रविवार शाम दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक 232 दर्ज की गई। इससे पहले शनिवार को AQI 186 दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच AQI अच्छा माना जाता है, वहीं 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 और 500 गंभीर माना जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का आज न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 23 अक्टूबर तक आकाश साफ रहेगा, हालांकि रात्रि में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि नवंबर के शुरुआती हफ्ते से ही दिल्ली में सुबह शाम हल्की सर्दी का एहसास लोगों को होने लगेगा। इसी महीने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान के बेहतर क्रियान्वयन के लिए ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि शहर में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार काम कर रही है। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने और खुले में कचरा जलाने से संबंधित सैटेलाइट डेटा का भी विश्लेषण किया जा रहा है। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।